शंकर भगवान के शिवलिंग का वर्णन आता है बटकेश्वर महादेव। कौन से महादेव हैं? जम के बोलो जरा, बटकेश्वर। फिर एक बार वापस बोलिए। शिव महापुराण में एक महादेव का वर्णन आता है कि जिस समय पर भगवान शंकर ने क्रोध में आकर काल भैरव को प्रकट करा था और काल भैरव ने ब्रह्मा जी का सिर काट दिया था, वो सिर कटकर आगे गया और सिर कटकर जब आगे गया तो उनके मस्तक से वृक्ष ने जन्म ले लिया जिसका नाम बट का वृक्ष हुआ और शंकर जी उसके नीचे बैठे तो उसका नाम बटकेश्वर। वो बटकेश्वर कभी अगर मौका लग जाए और कोई आपसे कह दे कि बहुत कर्जे में लगा लूं हो गए, बहुत तकलीफ में पड़ गए, बहुत कष्ट में पड़ गए, प्रयास करना। अगर कर्जा ज्यादा है तो मेहनत ज्यादा करना, कर्जा ज्यादा है तो कर्म ज्यादा करना है, कर्जा ज्यादा है तो रात दिन एक करना है, कर्जा ज्यादा है तो आप तकलीफों में घिरे क्यों हो, क्योंकि कर्जा होने के बाद आप मेहनत कम कर देते हो। कर्जा हो गया मेहनत को चार गुना बड़ा, कर्जा हो गया अपनी लगन को चार गुना बड़ा, कर्जा हो गया अपने कर्म को चार गुना बड़ा और साथ में अपनी मेहनत को बढ़ाते बढ़ाते बट वृक्ष के नीचे एक लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाना प्रारंभ करो और पड़ थोड़ी सी जड़ लाल वस्त्र में लेकर अपनी पर्स में या अपनी जेब में या अपने संदूक में या अपनी अलमारी में उसको रखो। प्रतिदिन पड़ के पेड़ के नीचे जाकर अगर शंकर जी नहीं भी हैं तो पड़ के पेड़ के नीचे बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर अगर हम एक लोटा जल समर्पित करते हैं तो कर्जा कुछ ही दिन में चूकता जरूर है और लक्ष्मी की आवक बढ़ती है। बटकेश्वर महादेव इसमें केवल बड़ के पेड़ के नीचे जल चढ़ाना नहीं, अपनी मेहनत को चार गुना करना, अपने परिश्रम को चार गुना करना, अपनी लगन को चार गुना बढ़ाना, अपने कर्म को चार गुना करना। जितनी मेहनत आज तक करते थे उस मेहनत को दुगना बढ़ा लीजिए, चार गुना बढ़ा लीजिए और फिर आगे बढ़ेगा, फिर कहीं ना कहीं परमात्मा तुम्हें संभाल लेगा। शंकर को चढ़ाया गया जल तुम्हें संभाल लेगा, शंकर को चढ़ाया गया एक जरा सा जल भी तुम्हें संभाल महाल। घर में से एक लोटा जल भरो, बड़का पेड़ बटका वृक्ष जहाँ हो वहाँ पहुँच जाओ, दो तीन मिनट हाथ में जल लेकर बैठो और बैठने के बाद अपने मन की कामना कर कर बटकेश्वर महादेव के नाम से बड़ वृक्ष की जड़ में जल डाल दीजिए। दो दिन तीन दिन अगर तुमने जल चढ़ाया कितनी बड़ी भी समस्या होगी उसकी राह मिलेगी जरूर और भोलेनाथ हाथ पकड़ेंगे। भंडारी उसका नाम ही कुबेरेश्वर बाबा है, उसका नाम ही कुबेरेश्वर महादेव है। लोग आते हैं दीपावली की रात्रि को अपने घर की पूजन कर कर सीधे सीहोर आ जाते हैं, सीहोर में आकर दीपावली की रात्रि को दीप प्रज्वलन करते हैं मंदिर के प्रांगण में बाबा की कंकर शंकर की भूमि पर, और दीपावली के दूसरे दिन खजाना लेते हैं बाबा से, मांग कर ले जाते हैं बहुत तकलीफ में हूँ आपकी खजाना ऐसा दे दे कि अगली बार मैं भी खजाना लुटाने के लिए आऊँ, और बाबा खजाना देकर ले।